शशांक पांडे और आप देख रहे हैं NBC 24। लगातार नाराज चल रहे तेज प्रताप यादव आज अचानक से राजद कार्यालय पहुंचे हैं। लगातार नाराज चल रहे थे। जगदानंद सिंह ने जब कहा था कि कौन है तेज प्रताप यादव, मैं नहीं जानता, और उसके बाद से तेज प्रताप यादव नाराज चल रहे थे। हालांकि तेज प्रताप यादव के बयानों की वजह से जगदानंद सिंह नाराज हो गए थे। उसके बाद वो पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे थे। 10 दिन बाद जब पार्टी कार्यालय आते हैं तो तेज प्रताप यादव के सबसे करीबी आदमी आकाश यादव को हटा देते हैं, छात्र राजद के प्रदेश से हटा देते हैं, और उसके बाद तेज प्रताप यादव नाराज हो जाते हैं। फिर मीडिया से बात करते हुए जगदानंद सिंह कहते हैं, कौन है तेज प्रताप यादव, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ लालू प्रसाद यादव को जानता हूं। उसके बाद तेज प्रताप यादव बहुत नाराज हो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जगदानंद सिंह पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, अगर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो पार्टी के किसी भी गतिविधियों में मैं शामिल नहीं हूँगा। उसके बाद वो तेजस्वी यादव से मिलने जाते हैं, तेजस्वी यादव उनसे नहीं मिलते हैं, उसके बाद और नाराज़ हो जाते हैं। और इन सभी नाराज़गियों के बाद तेज प्रताप यादव दिल्ली गए थे, दिल्ली अपने पिताजी से मिले, वहाँ पे तेजस्वी यादव से बात हुई, और फिर आज तेज प्रताप यादव पार्टी कार्यालय पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे उनकी गाड़ी लगी हुई है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से तेज प्रताप यादव के उनका गाड़ी जो है कार्यालय के बाहर खड़ा था। जब गेट खुला तो कार्यालय के अंदर आया, और फिर तेज प्रताप यादव अपनी गाड़ी से निकले और कार्यालय के अंदर गए। वहाँ पे वो तेजस्वी यादव का जो केबिन है उसमें गए और वहाँ पे जाके बैठे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव वहाँ बैठेंगे और फिर जगदानंद सिंह से बातें करेंगे। बातें बहुत गंभीर होंगी, क्या क्या बातें होंगी वहाँ से निकलने के बाद पता चलेगा। हालांकि तेज प्रताप यादव से मीडियाकर्मी बात करना चाहें, लेकिन तेज प्रताप यादव किसी भी लोगों से बात नहीं किए, गाड़ी से उतरे और फिर चले गए अपने कार्यालय में। बता दें कि आकाश यादव को जब छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया, उसके बाद आकाश यादव ने लोजपा का दामन थाम लिया है। लोजपा में पशुपति पारस गुट का दामन थामा है और लोजपा ने उनको बड़ी जिम्मेवारी दे दी है। लोजपा ने उन्हें छात्र लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। उसके बाद जब पत्रकारों ने तेज प्रताप यादव से कहा कि क्या आकाश यादव आपको धोखा दे दिए, क्या आकाश यादव ने आपके पीठ पर खंजर घोंपा, तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है और आकाश यादव को भी आज़ादी है, वो जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। इस सब को लेकर अब एक बार फिर जो है राजनीति होगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव पार्टी कार्यालय पहुँचे हैं और हो सकता है कि वो जगदानंद सिंह से बातें करें, और जगदानंद सिंह से बात करके क्या कुछ बाहर निकलेगा हम आपको बताएँगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।